हरियाली किसे अच्छी नहीं लगती, इंसान हो या जानवर, हरियाली की तरफ स्वतः ही अट्रैक्ट होते चले आते हैं। नेचर का यही आकर्षण हमें उसकी तरफ बखूबी खींचता जाता है। यही नेचर जब हमारे घर में प्लांट के रूप में आता है तो हमारे घर का कोना कोना तो सुसज्जित होता ही है, हमारा मन भी काफ़ी प्रफुल्लित होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपने घर में किस तरह के इंडोर प्लांट्स को और किस जगह पे लगाएं कि जिससे हमारे घर के खूबसूरती में तो चार चांद लगे ही, ताकि उस प्लांट की भी सेहत काफ़ी सेहतमंद रहे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि कौन सा प्लांट और कौन सा प्लांटर हमारे घर के किस रूम के लिए सुटेबल होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो वो किस तरह के पॉट में लगाए जाएं तो काफ़ी आकर्षक हो, तो पॉट का सही सिलेक्शन आप वही पॉट लें जो देखने में आकर्षक और आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा दे। बाज़ार में आपको इसी तरह के विभिन्न आकर्षक प्लांटर आसानी के साथ मिल जाएंगे कि जो कि काफ़ी डेकोरेटिव भी होंगे, जिससे आपके घर में जो प्लांट है वो काफ़ी सुसज्जित भी होगा और आपका मन भी काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाला है। सबसे पहले हम घर के स्टडी रूम को ही लेते हैं। स्टडी रूम बच्चों और अभिभावकों के लिए काफ़ी खास होता है। इसके लिए प्लांट के चुनाव पर खास ध्यान दें तथा साथ ही स्टडी रूम के लिए बेबी प्लांट के लिए ऐसे गमले का चुनाव करें जो आपको शांति और सुकून भी प्रदान करे। इसीलिए स्टडी रूम के लिए ऐसे छोटे गमले का चुनाव करें जो आपके लिए सुकूनदायक हो। इसके बाद हम घर के बेडरूम की बात करते हैं। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां हम थक कर आराम करते हैं, इसीलिए इस रूम के लिए खास गमले की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें ऑक्सीजन बैम्बू जैसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट का चुनाव करना चाहिए। अब हम घर के लिविंग रूम में आते हैं। लिविंग रूम घर का वह एरिया होता है जहां आप अपना पूरे दिन का समय व्यतीत करते हैं तथा साथ ही मेहमानों का भी स्वागत वहीं पे होता है। इस रूम के लिए जब भी आप प्लांट के लिए गमले का सिलेक्शन करें तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये गमले का सिलेक्शन जो है वो कमरे के फर्नीचर्स के हिसाब से, पर्दे के कलर के हिसाब से और इंटीरियर के हिसाब से ही आप गमले का चुनाव करें। इसके अलावा घर की बालकनी और रसोई को सजाने के लिए उनके इंटीरियर के हिसाब से ही गमले का चुनाव करें। बालकनी पे खड़े होकर सुकून के दो पल बिताना किसे अच्छा नहीं लगता। ये वो एरिया होती है जहाँ पे आप खड़े होकर आप अपने मन को अच्छी तरह बहला सकते हैं, इसलिए इस हिस्से को स्पेशल प्लांट के द्वारा और स्पेशल पॉट का सिलेक्शन करके आप अपने बालकनी को खूबसूरत और आकर्षक बना सकते हैं। इसलिए इस एरिया के लिए बेस्ट डेकोरेटिव प्लांट फ्लावर्स और पॉट का सिलेक्शन करें। बेस्ट तो यही होगा कि आप इस एरिया के लिए सूरज की रोशनी में जगमगाने वाले गमले का सिलेक्शन करें। साथ ही आप रसोई में अपना दिन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत करते हैं, इसलिए इस किचन के लिए आप अपने मन से प्लांट और पॉट का सिलेक्शन करें। किचन के लिए आप एटोवेरिया, कैक्टस, रोजमेरी, बैम्बू लगा सकती हैं। ये आसानी से किचन के कॉर्नर में रखे जा सकते हैं। अपने घर के प्रत्येक कोने को अच्छी तरीके से सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के प्लांटों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे खास जो प्लांट हैं वो आप अपने घर के स्टडी रूम, किचन, अदर जगहों पे भी काफ़ी आसानी से उसको सजा सकते हैं। इसके लिए आप चाइनीज एवर ग्रीन, पीस लीली, पोथास और सेंसिया काफ़ी अच्छे लगते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल्स को लाइक,